भारती अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा जिला अजमेर की ओर से यहाँ देवउठनी एकादशी के अवसर पर भव्य तुलसी सालिग्राम जी का सामूहिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 11 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो प्रातः गणेश जी के नौतने के साथ में यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो विभिन्न धार्मिक रस्में विवाह की रस्में उनको निभाया गया। रात को महिला संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद आज सुबह हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्दी के कार्यक्रम के साथ ही जो विभिन्न रस्में हैं उनको निभाया गया और दोपहर अभी 3 बजे राजराजेश्वर मंदिर हाईलैंड मार्केट से 20 सालिग्राम भगवान की सामूहिक बारात निकाली गई, निकाली गई जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई यहाँ जनकपुरी में आकर यहाँ तोरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तोरण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद यहाँ सामूहिक रूप से हवन फेरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद सभी दूल्हा दुल्हन को यानी तुलसी जी को और सालिग्राम जी को विदा दी गई और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष किरदारीलाल जी मंगल, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी पंसारी, हमारे महिला शाखा की जिलाध्यक्ष रेणु जी मित्तल सहित महिला शाखा और जिला शाखा के तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग। ये कार्यक्रम पहले भी कई बार आयोजित किया गया लेकिन काफ़ी वर्षों बाद इस तरह से सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश का वातावरण देखने को मिला। भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा जिला अजमेर की ओर से यहाँ देवउठनी एकादशी के अवसर पर भव्य तुलसी सालिग्राम जी का सामूहिक विवाह उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 11 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो प्रातः गणेश जी के नौतने के साथ में यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो विभिन्न धार्मिक रस्में विवाह की रस्में उनको निभाया गया। रात को महिला संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद आज सुबह हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्दी के कार्यक्रम के साथ ही जो विभिन्न रस्में हैं उनको निभाया गया और दोपहर अभी 3 बजे राजराजेश्वर मंदिर हाईलैंड मार्केट से 20 सालिग्राम भगवान की सामूहिक बारात निकाली गई, निकाली गई जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई यहाँ जनकपुरी में आकर यहाँ तोरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तोरण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद यहाँ सामूहिक रूप से हवन फेरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद सभी दूल्हा दुल्हन को यानी तुलसी जी को और सालिग्राम जी को विदा दी गई और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष किरदारीलाल जी मंगल, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी पंसारी, हमारे महिला शाखा की जिलाध्यक्ष रेणु जी मित्तल सहित महिला शाखा और जिला शाखा के तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग। ये कार्यक्रम पहले भी कई बार आयोजित किया गया लेकिन काफ़ी वर्षों बाद इस तरह से सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश का वातावरण देखने को मिला। देवउठनी 11 का आज शुभ दिन पर भगवान तुलसी, भगवान सालिग्राम भगवान का और तुलसी जी का विवाह करने का बहुत महत्व है। धार्मिक उत्सव होता है ये, सनातन धर्म आज के दिन बहुत इसको पवित्र माना जाता है। अब 2 दिवसीय कार्यक्रम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा ने ये 2 दिवसीय सम्मेलन रखा था विवाह का, उसमें हमने ये भगवान की और तुलसी जी का विवाह का जो है कार्यक्रम आज के दिन हमने बारात निकाली उनकी और जनकपुरी में आके उनका विवाह संपन्न किया। विवाह के उपरांत उनका विदाई और फेरे और कन्यादान हमने सबने मिलके किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा महिला